हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी फिरोजाबाद। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन जॉन गाल्सवर्थीज प्ले जस्टिस। दिस प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन एदर फॉर यूपीटी जीटी पीजीटी केवीएस DSSSB एंड एनी अदर एग्जामिनेशन विच इंक्लूड इंग्लिश लिटरेचर एज इट्स सिलेबस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी लेसन्स को दोनों लैंग्वेज में डिलीवर करता हूं, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा जस्टिस, ए ड्रामा रिटन बाई जॉन गाल्सवर्थी। आज हम इसमें बात करेंगे इसके करेक्टर्स के बारे में, प्लॉट के बारे में और समरी के बारे में, यानी कि इसकी प्लॉट, समरी और करेक्टर को हम एनालाइज करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसके बाद में आप इस प्ले को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और इस प्ले से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। मैं हर प्ले को 3 वीडियो में कवर कर देता हूँ। पहली वीडियो में करेक्टर, प्लॉट और समरी, दूसरी वीडियो में करेक्टर, प्लॉट और समरी से संबंधित क्वेश्चंस, और उसके बाद में उस प्ले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं थर्ड वीडियो में कंप्लीट करता हूं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, क्योंकि मैं करा रहा हूं आपको यूपीटी जीटी पीजीटी केवीएस DSSSB जैसी कई सारी प्रिपरेशन की तैयारी। तो आज का वीडियो मेरा खास तौर पर अभी चलने वाले जो एग्जाम है इनके लिए है। सो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट अबाउट द प्ले। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्ले जस्टिस। जस्टिस इज अ प्ले बाई जॉन गाल्सवर्थी 1867 to 1933, published in 1910. It was a part of campaign to improve condition in British prison. Winston Churchill attended the early performance of this play in Duke of York's theatre in London. तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा ये है कि जस्टिस नाम का जो प्ले है उसको जॉन गाल्सवर्थी ने लिखा है, और जॉन गाल्सवर्थी का जो लाइफ पीरियड है वो है 1867 to 1933। अगर बात करूं मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 अगस्त 1867। और अगर बात करता हूं मैं इनकी डेट ऑफ डेथ की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 31 जनवरी 1933 में। मैं इनके बारे में छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ, बाकी का तो मैंने इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो में सारी बातें बताई हैं। इनको एक नोबल पुरस्कार भी मिला था, और नोबल पुरस्कार कब मिला था इनको, 1932 में। ये किस क्रिएशन के लिए मिला था, इनकी एक क्रिएशन है, इनका एक नोबल सीरीज है जिसका नाम है द फोरसाइट सागा। ये 3 नॉवल्स की सीरीज है जिसमें 2 इंटरल्यूड यानी कि शॉर्ट स्टोरी भी शामिल हैं। तो इसी क्रिएशन की जो डिस्टिंगाइज्ड आर्ट ऑफ नरेशन थी, इसके लिए जॉन गाल्सवर्थी को 1932 में एक नोबल प्राइज भी मिला था। तो ये तो बात हो गई इस प्ले के बारे में, और हल्की सी जानकारी प्रदान कर दी मैंने जॉन गाल्सवर्थी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो जो करेक्टर आते हैं वो हैं जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ, बोथ आर फादर एंड सन। जेम्स हाउ इज द फादर ऑफ वाल्टर हाउ एंड बोथ आर सॉलिसिटर्स। ओके फ्रेंड्स, जेम्स हाउ फादर हैं और वाल्टर हाउ इनके बेटे हैं, और दोनों ही सॉलिसिटर हैं यानी कि विधि विशेषज्ञ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट करेक्टर है रॉबर्ट कॉक्सन का। रॉबर्ट कॉक्सन इज देयर मैनेजिंग क्लर्क, ये इनके ऑफिस में काम करने वाला वरिष्ठ क्लर्क है। इसके अंडर में जो काम करता है वो है विलियम फाल्डर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले, दिस इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, ऑल द स्टोरीज राउंड अबाउट विलियम फाल्डर। कहने का मतलब मेरा ये है कि विलियम फाल्डर ही इस कहानी का हीरो है, जो सफर करता है हर तरीके की मुसीबत को। और ये है कौन, ये जूनियर क्लर्क है जो मिस्टर रॉबर्ट कॉक्सन के अंडर में काम करता है, और ये इन्हीं की ऑफिस में काम करता है, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के ऑफिस में। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर है स्वीडल। स्वीडल इज द ऑफिस बॉय इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ, ये भी इन्हीं के ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर है विस्टर। विस्टर कौन है, ये एक डिटेक्टिव है। ओके, इसके बाद में बात कर लेते हैं काउली की। काउली कौन है, काउली इज अ बैंक कैशियर।
इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड। जस्टिस फ्लॉयड इज अ जज, ये एक जज हैं। इसके बाद में बात करते हैं हेरोल्ड क्लेवर की। हेरोल्ड क्लेवर एंड ओल्ड एडवोकेट, जो कि विलियम फाल्डर जब पकड़ जाता है एक फोर्जरी के केस में, तो उसके विरोध में केस लड़ते हैं, उसके अगेंस्ट में केस लड़ते हैं। किसकी तरफ से लड़ते हैं ये लड़ते हैं जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की तरफ से। ओके, और इनके विपक्ष में यानी कि विलियम फाल्डर की पक्ष से जो केस लड़ता है उसका नाम है हेक्टर फॉर्न, याद रखना। ये एक यंग एडवोकेट है जो विलियम फाल्डर को डिफेंड करता है, विलियम फाल्डर को बचाता है। नेक्स्ट है कैप्टन डेंसन। कैप्टन डेंसन आल्सो अ इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द प्ले। ही इज अ प्रिजन गवर्नर, जो प्रिजन का गवर्नर है, कारागार का गवर्नर है। इसके बाद में बात करते हैं हग मिलर। हग मिलर कौन है, ये एक चैपलैन है जेल में, यानी कि ये कारागार का चैपलैन है। इसके बाद में बात करते हैं हम 13th करेक्टर की। 13th करेक्टर है आपका एडवर्ड क्लीमेंट। एडवर्ड क्लीमेंट इज अ डॉक्टर इन प्रिजन हु डायग्नोसाइज ऑल द प्रिजनर इन द प्रिजन। देखिए इसका जो काम है वो क्या है, जो जेल में जितने भी कैदी होते हैं उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करता है समय समय पर कि सभी कैदी स्वस्थ हैं या नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट करेक्टर है वुडर। वुडर कौन है, ये एक चीफ वार्डर है। नेक्स्ट करेक्टर है मनी, क्लिप्टन और ओक्लेरी। ये सभी क्या है, ये सभी मुजरिम है जो जेल में बंद है। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर एंड द हीरोइन ऑफ द प्ले इज रूथ हनीवेल। ध्यान रखना इस चीज़ का, रूथ हनीवेल ये कौन है, दिस इज अ वूमेन और कह सकते हैं हीरोइन ऑफ द प्ले। दिस इज आल्सो अ बिलव्ड ऑफ विलियम फाल्डर। ये एक शादीशुदा महिला है जो विलियम फाल्डर की एक क्या कहते हैं लवर बोल सकते हैं, अफेयर में बोल सकते हैं इसको। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्लॉट समरी एनालाइज करेंगे पूरे तरीके से कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से विलियम फाल्डर एक ट्रेजिक हीरो बन जाता है और किस तरीके से वो सारी समस्याओं को झेलता है। तो द प्ले ओपन्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड हिज सन सॉलिसिटर्स। अ यंग वूमेन अपीयर्स एट द डोर विद चिल्ड्रन इन टू आस्किंग टू सी जूनियर क्लर्क विलियम फाल्डर ऑन अ पर्सनल मैटर। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कहानी जो शुरू होती है वो जेम्स हाउ और उसके बेटे उनके ऑफिस में शुरू होती है। वहाँ पर एक लेडीज आती है अपने हाथ में एक बच्चा लेकर और वो मिस्टर कॉक्सन से बोलती है, यानी मिस्टर कॉक्सन का जो एक पियोन है उससे बोलती है स्वीडन से कि वो मिस्टर विलियम फाल्डर से मिलना चाहती है एक पर्सनल काम के मैटर में। तो वो जाके बताता है किसको, मिस्टर कॉक्सन को, कि विलियम फाल्डर से एक लेडीज मिलने आई है। तब जाके मिस्टर कॉक्सन उसको बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद में उनसे मिलने के लिए परमिशन दे देता है। अब बात कर लेते हैं रूथ हनीवेल के बारे में थोड़ी सी। तो रूथ हनीवेल कौन है, सी इज रूथ हनीवेल फाल्डर्स मैरिड स्वीट हार्ट विद हुम ही इज प्लानिंग टू एलोप टू सेव हर फ्रॉम वर्चुअल एंड पॉसिबल डेथ एट द हैंड ऑफ हर ड्रंकन हस्बैंड। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक शादीशुदा महिला है जो विलियम फाल्डर की मासू का है, जिसके साथ में फाल्डर कहीं पर गायब हो जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है। और वो ऐसा करना क्यों चाहता है, क्योंकि जो हनीवेल का जो हस्बैंड है वो एक शराबी है और वो उसको अक्सर मारा पीटा करता है, कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की है। तो उसे बचाने के चक्कर में विलियम फाल्डर उसके साथ में कहीं भाग जाना चाहता है। ओके, और यही सारी बातें बताने के लिए रूथ हनीवेल उसके ऑफिस में आई है कि उसके हस्बैंड ने लास्ट डे भी कैसी इसी प्रकार की कुछ हरकतें की हैं और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से भागी है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। आफ्टर रॉबर्ट कॉक्सन द सीनियर क्लर्क डिस्कवर दैट अ चेक ही हैड इशूड फॉर 9 pounds हैज बीन एल्टर्ड टू रीड 90 फाल्डर कन्फेसेस टू फोर्जरी प्लीडिंग अ मूवमेंट ऑफ मैडनेस। देखिए यहाँ बहुत अच्छा टर्न आता है, रूथ हनीवेल को बचाने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो कुछ कमाती तो है नहीं है। इसलिए जब स्वीडन जो ऑफिस बॉय है वो विलियम फाल्डर को एक चेक बैंक से कैश यानी विड्रॉ कराने के लिए देता है, तो विलियम फाल्डर के माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि वो 9 की जगह पर, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो डिजिट में 9 लिखा था उसकी जगह पर 0 लगा देता है और 90 कर देता है। और इंग्लिश में जो 1 सेकेंड और इंग्लिश में जो लिखा था 9
क्या लिखा था, 9, इसकी जगह पे क्या लगा देता है, टी वाई लगा देता है। इस तरीके से वो उस चेक को 90 में बदल देता है और विड्रॉ करा लेता है। तो जब इसकी जांच पड़ताल मिस्टर कॉक्सन कर लेते हैं और जो उनके जो मालिक थे वो जेम्स हाउ वो कर लेते हैं, तब पता चलता है कि चेक में फोर्जरी की है। तो इस चक्कर में जो विलियम फाल्डर है उसको पकड़ लिया जाता है। जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो इस चीज़ का हवाला देता है कि उसने चेक में जो भी बदलाव किए हैं वो इनसेन कंडीशन में किए हैं, ऐसी अवस्था में किए हैं जब वो पूरे तरीके से होशा हवास में नहीं था, क्योंकि वो रोथ हनीवेल को बचाना चाहता था जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसका केस लड़ता है कौन, उसका जो केस है उस केस को लड़ता है उसकी तरफ से हेक्टर फ्रॉम नाम का एक एडवोकेट, और उसके जो विरोध में केस लड़ता है उसका नाम है हेरोल्ड क्लीवर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं ड्रामा के सेकंड एक्ट की कि ये कहां पर प्लेस करता है। द ओपनिंग ऑफ द सेकंड एक्ट टेक्स प्लेस इन द कोर्ट, केस चल रहा होता है वहां से दूसरा एक्ट शुरू होता है ड्रामा का। ही इज डिफेंडेड बाई अ यंग एडवोकेट नेम हेक्टर फ्रॉम हु वाइल नॉट अटेम्प्टिंग टू डिनाई दैट हिज क्लाइंट डिड इंडीड एल्टर द चेक प्लीड्स टेम्पररी एब्रेशन एंड अर्ज दैट। देखिए यहां पर कहने का मतलब मेरा यह है कि ड्रामा की जो सेकंड एक्ट है वो कोर्ट में शुरू होती है जहां पर फाल्डर के ऊपर केस चलाया जा रहा है, और फाइल्डर का जो वकील है हेक्टर फ्रॉम है जो उसका बचाव कर रहे हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहते कि फाइल्डर ने और जो चेक है उसमें बदलाव नहीं किया। वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं ही वाज ट्राइंग टू से दैट ही वाज अटेम्प्टिंग टू डील विद द सिचुएशन इन विच द वुमेन ही लव्ड कुड ऑब्टेन नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ एदर सी हैड स्टे विद हर हस्बैंड इन टेरर ऑफ हर लाइफ और शी कुड सीक अ सेपरेशन मेयर वर्चुअली नॉट बींग अ लीगल ग्राउंड फॉर डिवोर्स। कहने का मतलब मेरा ये है, उसका जो वकील है वो ये नहीं कहता कि फाल्डन ने फोर्जरी नहीं की है, वो ये कहता है कि फाल्डन ने जो कुछ भी किया वो एक ऐसी कंडीशन में किया जब वो पूरे तरीके से उसका जो मन था असंतुलित हो गया था अपनी मासूका की बातों को सुनकर, जिसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा पीटता था और बहुत बुरे तरीके से उसके साथ बर्ताव करता था, जो कि उसको पीटना उसके डिवोर्स की वजह नहीं बन सकता था, खाली पीटने से उसे डिवोर्स नहीं मिल सकता था, इसलिए फाल्डन ने उसको इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए उसके साथ भाग जाने के लिए चेक में फोर्जरी कर दी जिसमें 9 की जगह पर उसने 90 कर दिया। यही वजह थी जिस कंडीशन में उसने और चेक में फोर्जरी कर दी। तो इसलिए मेरे जो मुवक्किल है, मेरा जो कैंडिडेट है, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, इस पर सिंपैथी दिखानी चाहिए। तो उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में वो कहता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करता, किसकी, रुथ हनीवेल की मदद नहीं करता, तो या तो उसको क्या करना चाहिए था, उस लड़की को या तो जान दे देनी चाहिए, या फिर उसको वर्क हाउस में काम करना चाहिए, या फिर सेलिंग हर बॉडी इन ऑर्डर टू सपोर्ट हर चिल्ड्रन, या फिर अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसको वेश्यावृत्ति का काम करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो विलियम फाल्डर है उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने ये सारे एक्ट कर दिए। ही प्लीड्स टू द जूरी नॉट टू रुइन द यंग मैन्स लाइफ बाई कंडेमिंग हिम टू प्रिजन, और वो कोर्ट से ये भी कहता है कि मेरे मुवक्किल को जेल भेजकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। फाल्डर इज कन्विक्टेड एंड इज सेंटेंस टू 3 years पेनल सर्विट्यूड। और देखिए इसकी सारी बात करने के बाद भी, इतनी सारी डिफेंडिंग करने के बाद में भी विलियम फाल्डर को 3 years की सेंटेंस यानी कि जेल हो जाती है। ओके, इसके बाद में कॉक्सन विजिट फाल्डर्स प्रिजन आस्किंग इफ रुत माइट बी अलाउड टू सी इन द प्रिजन बट रिसीव्स नो सिंपैथी। जो कॉक्सन थे, जो उसके सीनियर क्लर्क थे, वो उससे मिलने के लिए जेल में जाते हैं और ये पूछते हैं क्या रुथ हनीवेल को मिलने की इजाज़त हो सकती है, तो जेल में उसको ना कर दिया जाता है, यानी कोई भी विलियम फाल्डर से नहीं मिल सकता क्योंकि उसको कारावास हुआ है। इसके बाद में देखते हैं थोड़ा सा आगे, रुथ टेल्स कॉक्सन दैट सी हैज लेफ्ट हर हस्बैंड एंड सी इज डेस्टिट्यूट एंड अनेबल टू सपोर्ट हरसेल्फ और हर चिल्ड्रन। रुथ कॉक्सन को बताती है आके, जो कि उसका सीनियर वकील है, उसका सीनियर क्लर्क है उसका फाल्डर का,
जो उसके साथ में काम करता था, कि वो अब अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकती है और ना ही अपना जीवन चला पा रही है, वो बहुत असहाय हो गई है। फाल्डर अटेम्प्ट्स इन इनकार्सेशंस पुअरली एंड एट द एंड ऑफ इज सेंटेंस ली प्रिजन अ ब्रोकन मैन। जब वो जेल से छूट कर आता है तो बहुत ही एक टूटा हुआ व्यक्ति हो जाता है, बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो जाता है जो पूरे तरीके से टूट चुका है। रुथ एंड ही अपीयर एट सॉलिसिटर्स ऑफिस। इसके बाद में वो सॉलिसिटर से यानी कि जेम्स हाउ के ऑफिस में जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसे क्षमा कर दें और वो दोबारा से उसको काम पर रखा लें। वहाँ पर रुथ भी यानी रुथ हनीवेल थी, वो भी प्रेजेंट होती है। इतने में क्या होता है, द पार्टनर्स एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस रेक्टेंगुलरली बट नो कंडीशन सॉरी बट ऑन कंडीशन देट ही गिव अप रुथ एंटायरली। देखिए जब उसने जेम्स हाउस से ऑफिस में काम करने के लिए बोला तो उन्होंने कह दिया ठीक है कर लो, लेकिन एक कंडीशन है, तुमको रुथ हनीवेल को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हुई है और ये एक सोशल क्राइम है कि बिना शादी के ही आप किसी महिला के साथ में रह रहे हो। एट दिस पॉइंट फाल्डर हॉरीफाइड रियलाइज दैट शी हैज मैनेज टू सर्वाइव इन दिस एबसेंस ओनली बाई सेलिंग हर सेल्फ। जब उन्होंने उसके सामने ये ऑप्शन रखा तो वो घबरा गया कि अगर वो उसको छोड़ देता है यानी रुथ हनीवेल को छोड़ देता है तो उसको अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। शी हैज़ टू मैनेज सर्वाइव इन हिज एब्सेंस ओनली बाई सेलिंग हर सेल्फ। उसको अपने आप को बेचना पड़ेगा, कहने का मतलब उसको देह व्यापार में अपने आप को धकेलना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं अपना जीवन और अपने बच्चे को पाल पाएगी। जब ये सारी फ्रेंड्स, अब आप हमारी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल की मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम यहाँ आएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको एक इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा जिसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप हमसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं और सभी तरीके की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं जो हम वीडियो बनाते हैं। इसके बाद में नीचे दिया गया है हमारी एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है ये। इस मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक पे जाके आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। मैंने लिंक को क्लिक कर लिया है। लिंक को क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में देखिए दिया गया है सामने आर अकेडमी फिरोजाबाद की ये मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन पर जाके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पर और इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मैं डाउनलोड करके बताता हूँ। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये दिया गया है इस जगह पे। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड पर और देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है और ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ये इंस्टॉल होने के लिए ऑप्शन आ गया है, तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको ओके पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन नई है और गूगल प्ले स्टोर पर इसको प्रोटेक्शन नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मैं इसके लिए एक फ़ीस जमा कर दूंगा उसके बाद में ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट से हो जाएगी। तो इसके बाद में आपको करना है इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक। चलिए मैं करके बताता हूँ। और उसके बाद में आपको सेंड बटन दबा देना है। सेंड बटन को दबाने के बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगी और ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ और सारी वीडियोज़ को देख सकता हूँ। टैप कर देंगे आप इसको और इस तरीके से हमारे चैनल की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। देखिए इसमें होम पेज है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप मोबाइल के होम पेज पे आ जाएंगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से कहीं पर मिल जाएगी, जैसे कि ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ आ गई है। ओके फ्रेंड्स, तो आप भी कर लीजिए डाउनलोड। सारी बातें चल रही होती हैं उसी समय पर क्या होता है, ए पुलिसमैन अराइव्स टू अरेस्ट फाल्डर फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट द अथॉरिटी एज टिकट टू लीव अ मैन। उस पर यह केस लगा दिया जाता है एक अथॉरिटी के द्वारा कि उसने जालसाजी करके एक ऑफिस में नौकरी लेने की कोशिश की है और इसके केस में वो उसको पकड़ने आए हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, ओवरकम बाई द इन एक्सोबिलिटी ऑफ हिज फेट, फाल्डर थ्रो हिमसेल्फ आउट अप एन स्टेयर्स विंडो फॉलिंग टू हिज डेथ। जब वो बचने की कोशिश करता है तो वो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ही थ्रो हिमसेल्फ आउट ऑफ
अपस्टेयर विंडो फॉलिंग टू हिज डेथ, कि फाल्डर ने अपने आप को किससे ढकेल दिया, सीढ़ियों से ढकेल दिया जो कि विंडो के पास से थी और वो मर गया। लेकिन दरअसल क्या था, वो बचने बचाने के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी। अब ये जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्ले की लास्ट लाइन क्या है, तो द प्ले एंड्स विद द वर्ड्स ऑफ द सीनियर क्लर्क हु हैज ट्राइड टू हार्ड टू हेल्प हिम। सीनियर क्लर्क जिसका नाम क्या है, कॉक्सन, उसके शब्दों के साथ में प्ले एंड होता है जिस लाइन में वो बोलते हैं कि नो वन विल कैच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद द जेंटल जीसस, ही इज सेफ विद द हैंड ऑफ जेंटल जीसस। अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता, कभी भी नहीं पकड़ सकता, कभी दोबारा नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो जीसस के कोमल हाथों में सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे जितने भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई जा रही है, अगर उनमें से कोई वीडियो आपके काम की नहीं है तो उसे उस व्यक्ति को शेयर कर दीजिए जिसके काम की है। मैं सोच लूँगा कि आप लोग मुझे इसी तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम कराने वाले हैं करेक्टर प्लॉट और समरी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।